بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم हेलो वेलकम बैक एवरीबॉडी बोल रहा ना आने वाला है क्या चीज बोल रहा हूँ हो गया हाल्विंग हो जाएगी सप्लाई की क्रिप्टो में ट्रेडिंग में तो पता है अब वो आने वाला है अप्रैल में मुझे कैसा चांस है हर चार साल में आता क्या आप उसको पकड़ लो और आप अगर पकड़ लिया ना आपने आपके पैसे पक्के पैसे पक्के बहुत पैसे बनेंगे ठीक है अब वो आ रहा है अप्रैल में ये मुझे तंग करने के लिए कह रहा है वो 14 अप्रैल को आएगा देखना वो 14 अप्रैल को आएगा तू नहीं कर पाएगा नहीं वो अलग ही होगा मेरे लिए क्योंकि मुझे अकाउंट चाहिए अकाउंट कब बनेगा 18 के बाद 14 को तो मैं 18 का हूँगा एनआईसी नंबर कहाँ से आएगा मेरा नंबर तो है मतलब वो कार्ड वगैरह वेरिफिकेशन के लिए वो कैसे होगा तो मैं तंग करने के लिए कहता है बेटा 14 को आएगा मैंने कहा तू खरीदेगा मेरे लिए फिर कहता सही है डिपॉजिट करा देना मैंने कहा सही कितना अच्छा खासा 30-60 कुछ 100-200 डॉलर तो जमा करो अपने पैसे अच्छा एक महीने में हो जाएंगे मुझे ना बुलरन की वीडियो देखनी थी लेकिन मैं भूल गया भूल गया अभी सीरियस नहीं हो ना नमाज पढ़ी बिजनेस के हवाले से नमाज पढ़ी फिर उधर रजा ऑनलाइन था मैंने कहा चलो थोड़ा खेल लेते खाना आ गया अभी खाना खा के देखो खाना कॉलेज क्यों नहीं जा रहा रजा नहीं जाता और भी वजह वैसे नहीं जाता उसके बाप ने मेरा खैर है नहीं जा लड़का था इसलिए जाता क्योंकि उसकी अम्मा उसको भी थोड़ा बहुत कह दिए चले और क्या नाम है वो मैंने पूछा इससे कि तू क्यों घर बैठा कब जाएगा कहता मैं तो नहीं जा रहा अभी रमजान के बाद भी शायद ही जाऊं अच्छा कौन कह रहा रजा फिर मैंने कल इससे पूछा मैंने कहा तू रमजान में जाएगा कहता है मॉक्स आ रहे मॉक्स देने जाऊंगा उसके बाद छुट्टियां करूंगा बंदा 14 प्रो मैक्स पे गपशप करने आता है इधर एक रजा है इसके बाद फोन अच्छा नहीं फिर भी बहुत अच्छा खेलता है कोई ना कोई एक चीज नहीं होती इंसान के पास इंसान लगा हुआ है तो नहीं सब कुछ होना चाहिए मैं भी कहती हूँ जो डिजर्व करता है उसके पास सब होना चाहिए लेकिन फिर ऐसा हो नहीं पाया हो जाएगा कुछ ना कुछ निकल जाएगा तो वो कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी आ जाएगी वो तो आनी जरूरी है मसला हो जाएगा आनी जरूरी है फिर आप एंजॉय नहीं कर सकते एक परफेक्टली बैलेंस लाइफ तब हो सकती है मेरे नजर में जब आप गुड और बैड को इक्वल लेके चले अगर आप सिर्फ गुड को लेके चलेंगे तो भी लाइफ सही नहीं होगी सिर्फ बैड को लेके चलेंगे तो ऑब्वियसली लाइफ सही नहीं होगी दोनों को बराबर लेके चलो कहना तो बड़ा आसान है कहना भी आसान है खुद करना भी आसान है लेकिन बैठ के किसी और को बताना लेकिन आप दूसरे के साथ गुजार भी नहीं सकते अच्छी गुजर देंगे मैं गुजार इक्वल लेके चलना जरूरी है इक्वल लेके चलते हैं ना ताली दो हाथों से बजती है एग्जांपल यहाँ एक हाथ को अच्छा कह लो एक हाथ को बुरा कह लो एक अच्छाई लिखने वाला फरिश्ता है हाँ। और एक बुराई लिखने वाला फरिश्ता एक सीधा हाथ है एक उल्टा हाथ है उल्टा हाथ ऐसे बनाया हुआ दोनों हाथ एक सीधा पैर है एक उल्टा पैर है एक सीधी आंख है एक उल्टी आंख है नहीं बुराई से तो आप बचने या तो पता नहीं बुराई की डेफिनेशन फिर कुछ और है बुराई से तो आप बचने की कोशिश करेंगे बुराई मैं इस सेंस में कहूँ बुराई नहीं गलत कम तोड़ना नहीं उसको झूठ बोलना कहना लेकिन
झूठ ऐसा बोलना कि ना आपका नुकसान हो ना दूसरे का नुकसान। आप जैसा झूठ बोल रहे हो उससे नुकसान कुछ ना हो, एक जो आप बैलेंस चाह रहे थे, जो भी काम आप करना चाह रहे थे वो हो जाए, भले आपने सच नहीं बोला, उससे स्टेबिलिटी रहेगी, पता नहीं चलेगा झूठ बोल। लेकिन वो झूठ बनाना बहुत मुश्किल चीज है जी, यही बात कर रही, बोलना तो बहुत आसान है, अक्सर देंगे आप 2 घंटे जब करने का वक्त आता है फिर आप कहते नहीं छोड़ो वही सही है जो था पहले। नहीं तो मैंने बात की ना, वही करते क्या भी लेक्चर 2 घंटे का नहीं दे सकते, अगर आप खुद करना चाहो ना तो कर सकते, फिर आपको इंडिविजुअल होना पड़ेगा, जरूरी हर इंसान अलग चला सकते नहीं, इंडिविजुअल अलग, लेकिन इंसान देखता दूसरे की तरफ, उसने ऐसा किया तो मैं वैसा करूँ, वो फिर इंसान की गैदरिंग उसकी तरबियत वो चीज़ से पता चलता है कि वो कैसा है। अगर आप चाहते हो कि आप इंडिविजुअल रहो तो आपको इंडिविजुअलिटी मिलनी चाहिए थी बचपन से ही, आपको ये फील कराना जरूरी था कि हाँ आप अलग हो, आप अकेले जो ऑप्रेस होते हैं किसी के कंट्रोल में रहते हैं किसी के दबाव में रहते हैं, क्यों रहते हैं? पैसा ही तो नहीं, पैसा एक बेस है, आपके पास बेस है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपने कर लिया, अगर आपके पास बेस नहीं है तो आप नहीं कर सकते, मैं नहीं मानता। आप किसी के अंडर रहोगे, किसी सीईओ के अंदर, किसी बॉस के अंडर, किसी उस्ताद के अंडर रहना पड़ेगा, है? हाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि आप आगे नहीं जा सकते जब तक आपके पास वो नहीं, वो प्रमोशन वाली बात फिर आ जाती है, वो अलग बात है। लेकिन आपको बॉस से आगे निकलना तो ऑब्वियसली बॉस से ज्यादा कमाना पड़ेगा, बात तो फिर इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई ना, फिर आपने किसी ना किसी को बना लिया कि इससे कंपेयर कंपटीशन करो ना। अगर आप चाहते हो कि आप आगे निकलो सबसे, तो दिमाग में एक चीज रखनी पड़ेगी कि हमें इतना आगे निकलना है, एक वो लाइन बनानी पड़ेगी। अब कंपटीशन में क्या एक लाइन बन जाती है जब आप किसी दूसरे को पकड़ते हो कि इससे आगे निकलना, आपको एक लाइन बनानी पड़ेगी, आपने उसको टच करना उस लाइन को। अगर आप कॉम्पिटिशन नहीं रखोगे, कॉम्पिटिशन एज ए जेरेसी नहीं, कॉम्पिटिशन एज एन हेल्दी कॉम्पिटिशन, थोड़ा जेरेसी तो चाहिए ना, भी बढ़ता है इंसान, कॉम्पिटिशन नॉर्मल कॉम्पिटिशन बंदा ले ले, अगर आप जेरेसी के थ्रू कॉम्पिटिशन करेंगे ना तो उसमें आप फंस भी सकते, खत्म भी हो सकते, लेकिन अगर आप हेल्दी कॉम्पिटिशन करते ना तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप हेल्दी कॉम्पिटिशन में दिमाग चलाते, आप जेरेस वाले कॉम्पिटिशन में आप अपने इमोशंस को भी चलाते, क्योंकि आप फिर जिससे आप आगे निकलना चाहते हो आप उसका बुरा भी चाहते हो, इसके साथ ये हो जाए, इसके साथ वो हो जाए। आप जाओ जरा कराची में अंदर के इलाकों में, जो कि ना सालों से एक ही गलियों में लोग रह रहे हैं, उनका आपस में बहुत अच्छा कनेक्शन होगा, भले झगड़े होते हैं कनेक्शन उनका बहुत स्ट्रांग होगा, वो कनेक्शन क्रिएटर से नहीं है उनका, कुछ भी क्रिएटर से कनेक्शन जब नहीं होता फिर आप बहुत मजबूत मजबूत कनेक्शन बनाते रहते हैं और वो टूटते रहते हैं। हाँ क्रिएटर से आपका बन गया दैट्स ऑल, बन जाए ना, बनता नहीं आपको चूंकि दिखता नहीं क्रिएटर, तो आप कहते नहीं है वो भी, लेकिन दुनियावी दोस्ती दुनियावी रिश्ता ज़्यादा ज़रूरी है, जिस दिन आपका क्रिएटर से जुड़ गया रिश्ता उस दिन आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, जो है जितना है जहाँ है सब बेहतरीन है, जितना मिल रहा है, फिर ये पैसे की दौड़ चीज़ों की दौड़ इस चीज़ से ना कि जो है जितना है बेहतरीन, इससे फिर आपको एक चीज दिमाग में आ जाती है कि जो हो रहा है बेहतर हो रहा है, बेहतरीन जो चला गया वो चला गया, यस यहाँ के लोग ये नहीं मानते कि जो चला गया देखो वो चला गया, अगर वो ये नहीं मानेंगे तो आपका कनेक्शन अच्छा बन नहीं सकता। अब लोग यहाँ का कनेक्शन क्यों अच्छा बन सकता है, क्योंकि ये मानते हैं कि नहीं वो क्यों गया उसको वापस लाओ, लेकिन मौत की बात नहीं कर रहा, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ले लो, कहते रहे साथ रहे, पिछला भी रहे अगला भी रहे सब रहे, हालांकि वो मौत का कॉन्सेप्ट है, मैं कहती हूँ अगर आपको दे दिया जाए ये इख्तियार कि चले आप मुकर्रर करें डेट किसी भी इंसान की एक्सपायरी की, आप खुद करो, नहीं कर सकते फिर नहीं करेंगे, फिर क्यों रोता है, तो इसलिए इंसान सोचता नहीं है, सोचता नहीं है कैसे करेंगे, जाना आएगा नहीं करना, अपनी करें दूसरे की करें, तो जिसके हाथ में है उसको मानना पड़ेगा, पेपे खरीदा जा रहा है, पेपे खरीदा ही जा रहा है, पेपे क्या कॉइन है, एक और कॉइन आ गया क्रिप्टो कॉइन, और क्रिप्टो में मेरे सामने कल एक कॉइन लॉन्च हुआ नया वाला,
अभी भी हो रहे होंगे मैं बताता हूँ। हाँ, एक होने वाला है ATR 46 मिनट्स में, BBL 1 घंटा 46 मिनट, GPT-1 1 घंटा 46 मिनट। कल मैं उधर बैठा हुआ था जिम में, तो मैंने इनकी देखनी थी कि जब एक नया कॉइन लॉन्च होता है तो उसका चार्ट कैसा होता है, और मुझे इतना खास कुछ मिला नहीं, क्योंकि शायद वो जो कॉइन लॉन्च हुआ था वो इतना वो नहीं था फेमस, क्योंकि अगर जो फेमस होगा ना उसमें तो एकदम लोग खरीदेंगे। शुक्र अल्लाह। शुक्र अल्लाह।